प्रमेय 10 कथन चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है ज्ञात है। हमारे पास ज्ञात है ए बी सी डी, ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज है। हमारे पास दिया कि ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज है, सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि कोण ए धन कोण सी बराबर कोण बी धन कोण डी बराबर 180 अंश। ये हमें सिद्ध करना है। रचना, रचना में हम लेंगे ओ से ए और ओ से ए और सी को मिलाइए। अब हम उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति चाप एबीसी का केंद्र पर बना कोण कोण ए ओ सी बराबर दो गुना कोण ए डी सी। इसे हम समीकरण एक लेते हैं। उसी तरह से चाप सी डी ए का केंद्र पर बना कोण चाप सी डी ए का केंद्र पर बना कोण को हम कोण सी ओ ए बराबर दो गुना कोण ए बी सी लेते हैं। इसे हम समीकरण दो नाम देते हैं। अतः दोनों समीकरण से दोनों समीकरण का योग करते हैं तो हमें प्राप्त होगा कोण ए ओ सी धन कोण सी ओ ए बराबर दो को हम उभयनिष्ठ निकाल लेंगे और कोष्टक में कोण यहाँ का कोण ए डी सी धन कोण ए बी सी इसे कोष्टक को बंद कर लेंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पे समीकरण एक और दो का योग किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले बायां पक्ष दोनों समीकरण का इसका योग हुआ है कोण ए ओ सी धन कोण सी ओ ए और इसके दाएं पक्ष में हम जब इसको इसका योग किए तो दो को हमने उभयनिष्ठ निकाल लिया है और कोष्टक के अंदर में कोण ए डी सी धन कोण ए बी सी को कोष्टक के अंदर लिखा है। अब क्योंकि कोण हमारे पास ए ओ सी धन कोण सी ओ ए ये वृत्त पर बन रहा है कोण और हम जानते हैं कि वृत्त पर बनने वाला जो कोण वृत्त का जो कोण होता है वो 360 अंश होता है। तो वृत्त का कोण के जगह हमने मान लिख रखा 360 अंश बराबर दो और हम यहाँ पे ए डी सी को कोण हम लिख सकते हैं डी कोण
डी धन कोण, और वैसे ही ए कोण ए बी सी को हम कोण बी भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम दो को पक्षांतर करेंगे, 360 के नीचे जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण बी धन कोण डी बराबर 360 अंश बटा दो, दो का पक्षांतर हमने किया। तो इस तरह से हमें प्राप्त होता है कोण बी धन कोण डी बराबर 180 अंश। चतुर्भुज चतुर्भुज ए बी सी डी में हम जानते हैं कि चतुर्भुज के जो अंतःकोण होते हैं कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी जो है वो 360 अंश का होता है। तो हमने अभी ज्ञात किया कि कोण बी और डी का जो योग है वो 180 अंश है, तो हम लिखेंगे यहाँ कोण ए धन कोण सी धन 180 अंश लिख लेंगे बराबर 360 अंश, या कोण ए धन कोण सी बराबर 180 अंश का पक्षांतर करेंगे तो 360 अंश में से 180 अंश को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 180 अंश। तो अतः हम कह सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल एक सौ अस्सी अंश होता है। अतः हम कह सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यही हमें सिद्ध करना था। क्या इस कथन का विलोम भी सत्य है? हाँ, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी एक युग्म का योग 180 अंश हो तो चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होता है, अर्थात चतुर्भुज के चारों शीर्ष से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है।